देखिए, ये काफी दुख की बात है कि कोई भी इंसान बच्चों को टारगेट करेगा, पेरेंट्स को टारगेट करेगा परेशान करने के लिए। ये खुशी की बात है कि ये हुक्स निकला। दिल्ली पुलिस से हम लगातार टच में थे और दिल्ली पुलिस ने जिन जिन स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट आई थी, वहां पे वो पूरा बॉम्ब स्क्वाड लेके पहुंचे। सारे स्कूलों की एक डिटेल रिसर्च हुई है। मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं पर भी किसी भी स्कूल में किसी प्रकार का बम, किसी प्रकार का हथियार, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चों के लिए खतरा हो सकती थी, वो कहीं नहीं मिली है। हम पुलिस से लगातार टच में हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द ये पता चलाएगी कि ये जो हॉक्स ईमेल आया था, ये कहां से आया था, इसके पीछे कौन है, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। अभी भी कई स्कूल से मतलब पेरेंट्स में अभी इसे लेकर चिंता है कि कल स्कूल को लेकर क्या होगा, क्या कुछ दिशा निर्देश ऐसे जारी हुए हैं डायरेक्टर देखिए, एजुकेशन ने? स्कूल्स खुले रहेंगे। आज भी जिन स्कूलों में पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को वापस लेकर जाना चाहते हैं, हमने उनको अलाउ किया है। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स स्कूलों में नहीं आए हैं, उनके लिए पढ़ाई चल रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक सेफ और सिक्योर लर्निंग एनवायरमेंट दें। इसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर लगातार इस पे काम कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से और खासकर के पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि वो पैनिक ना करें। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, जिसमें हमें पैनिक करने की जरूरत है। हम दिल्ली पुलिस से लगातार टच में हैं। स्कूल्स पर एक पैनी नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस भी लगातार इन स्कूलों की चेकिंग कर रही है और कल से नॉर्मल तरीके से स्कूल चलेंगे। इससे पहले इस तरह के मेल आए थे, मतलब एक तरह से ट्रेंड हो गया है हमेशा ये। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हाँ दिल्ली पुलिस का एक महत्वपूर्ण रोल है। उनके पास एक बहुत बड़ा साइबर सेल है, तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि ये साइबर सेल इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसे होक्स भेजने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को डराया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। एक दूसरा मुद्दा है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह रहने वाला अरविंद केजरीवाल के सेहत को लेकर, तो उनका कह रहा था कि तिहाड़ जेल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसा कौन है जो उन्हीं की पार्टी से जो उन्हें मारना चाहते हैं तो उन्हें बताना चाहिए? देखिए, मैं अमित शाह जी से आग्रह करूंगी कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन नहीं है, वो आज भी इस देश के गृह मंत्री हैं। तो वो कृपया इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा पूरे देश के सामने ना रखें। ये एक आदेश है जो आज आया है। आप इस आदेश में स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि जो डीजी तिहाड़ प्रिजंस हैं, वो रिटायर हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक नए डीजी प्रिजंस को चार्ज दिया है। अगर दिल्ली सरकार के अंडर है तिहाड़, तो एलजी साहब उसका डीजी कैसे अपॉइंट कर रहे हैं? दिल्ली सरकार ने तो नहीं किया। इसमें मंत्री का तो नाम नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री का तो नाम नहीं है एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है दैट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली इज प्लीज टू ऑर्डर दैट श्री सतीश गोलचा शैल लुक आफ्टर द चार्ज ऑफ डीजी प्रिजंस। फिर से लिखा है, बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये कागज अमित शाह जी का झूठ साबित करता है। मैं आग्रह करूंगी अमित शाह जी से कि इस प्रकार के झूठ का पुलिंदा देश के सामने ना फैलाए। बीते दिन एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई आरोप लगाए हमारी पार्टी सरकार पे, खासतौर पे जो आप लोग लगातार जो को लेकर बचाव करते रहे सीएम के। उन्होंने कहा कि ये लोग तो कहते थे कि कोई भी आरोप लगे तो इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन संविधान में इस तरह का प्रावधान ही नहीं रखा गया, क्योंकि कोई भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर, निर्लज्ज जैसी सरकार नहीं हो सकती है जो ऐसे आरोप लगने के बाद भी अपने पद पे बने रहे। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो एक एक करके विपक्ष की सरकारें गिरा दे। पहले उन्होंने ऑपरेशन लोटस को पिछले 5 साल में एक पूरा इसका एक एसओपी बनाया कि किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, सरकारें गिराई जाती हैं। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अब तो चुनाव से पहले ही, चुनाव ना हो उसका पूरा कार्यक्रम बनाया जाता है। हमने जो सूरत में देखा, जो इंदौर में देखा कि जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी हैं उन पे केस लगाए जाते हैं, केस खोले जाते हैं, उनसे नॉमिनेशन विड्रॉ करवाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो।
भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल में डाला? इसलिए जेल में डाला क्योंकि वो नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल चुनाव का प्रचार करें, वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी रहे। अगर अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा दे दिया तो आज दिल्ली की सरकार गिराएंगे, कल उसके बाद झारखंड की सरकार गिराएंगे, बंगाल की सरकार गिराएंगे, कर्नाटका की सरकार गिराएंगे, तमिलनाडु की सरकार गिराएंगे, केरला की सरकार गिराएंगे। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? आप विपक्ष के किसी भी मुख्यमंत्री पर पीएमएलए में ईडी द्वारा केस कर दीजिए, कोई कन्विक्शन चाहिए नहीं होता, वो व्यक्ति जेल में पड़ा रहे और आप एक एक करके सरकारें गिराते रहिए।